वेलकम बच्चों। तो आज एक मैन्युफैक्चरिंग का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जो जनरली हम लोगों को थोड़ा सा परेशान करता है कि ये पाउडर मेटलर्जी क्या होती है बेटा। तो पाउडर मेटलर्जी के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो बेटा हमें उसके जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं उनको समझने में बड़ी दिक्कत होती है कि मतलब वो उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं और मतलब वो कैसे मतलब परफॉर्म होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ठीक से रियलाइज़ नहीं कर पाते, ठीक है, ठीक से समझ नहीं पाते हैं और उसी वजह से जो है आपको बेटा इस चीज़ में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा इसमें कोई बहुत मतलब हाईली कोई इसमें टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है और आप इत्मीनान से उसको अच्छे से समझेंगे तो आपको पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बेटा ये टॉपिक। ठीक, तो इस वीडियो में बने रहिए और आपको पाउडर मेटलर्जी के बारे में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और एक बात और बता दूं आपको कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये इम्पॉर्टेंट है। कई बार सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि किस तरीके से सीक्वेंस होता है इस प्रोसेस का, क्या क्या चीज़, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती हैं, वो डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं बेटा। तो जितनी भी वो चीज़ें हैं वो हमने इसमें बेटा कवर कर रखी हैं। ठीक, चलिए बेटा तो स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझेंगे इसको और इसको इसके जितने भी डाउट्स हैं वो सब हम क्लियर करेंगे। ठीक, चलिए। देखिए, तो पाउडर मेटलर्जी इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच मेटल पाउडर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस पार्ट्स। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि पाउडर कि मतलब हम कुछ पाउडर बना रहे हैं, पाउडर को हम यूज कर रहे हैं इन मेकिंग पार्ट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मेटल। ठीक है, तो जो मेटल का पहले पाउडर बनाएंगे फिर उसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक, तो उसका एक पर्टिकुलर पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जब तक आप अच्छे से नहीं समझेंगे बेटा तो आपको इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले जैसा आपकी स्क्रीन पे बेटा ये दिखाई दे रहा होगा, ये इसके पूरे स्टेप्स हैं। पूरा जो आपका पाउडर मेटलर्जी है बेटा इस स्लाइड में जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। ठीक, आप केवल इसी स्लाइड से पूरा पाउडर मेटलर्जी को समअप कर सकते हैं और अपने माइंड में इसको बिठा सकते हैं। ठीक है, हालांकि आगे इसको इलैबोरेट भी करूंगा मैं, पर ये जो स्लाइड है ये आपको पूरा ओवरव्यू बेटा प्रोवाइड करा देगी। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले आपको पाउडर का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, जो पहला आपका प्रोसेस है कि प्रोडक्शन ऑफ पाउडर। फिर उसके बाद अब पाउडर सिंपल, उस पाउडर में हमें कुछ प्रॉपर्टीज भी चाहिए होंगी, डिफरेंट 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 प्रॉपर्टीज चाहिए। तो उस पाउडर में हम बेटा डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी लेने के लिए, ओके, टू टेक द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, हम क्या करेंगे उसमें ब्लेंडिंग करेंगे। ठीक, जैसे मुझे कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी चाहिए तो ठीक है कुछ दूसरे मटेरियल के कुछ एडिटिव हमने मिला दिया उसमें पाउडर में। ठीक, तो उसी हिसाब से मैंने जो है उसकी ब्लेंडिंग कर दी, तो उसे ब्लेंड करके फिर हमारे पास एक ब्लेंडेड पाउडर हमें बेटा मिल जाएगा। ठीक, दिखाई दे रहा होगा आपका ब्लेंडिंग कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद बेटा कॉम्पैक्शन होगा। कॉम्पैक्शन बेटा सिंपल से समझ लो, आगे अच्छे से भी समझेंगे। सिंपल ये है कि दो चीज हमने वो पाउडर रखा और दो पंच हैं उसके बीच में रख के उसको दबा दिया, ठीक है, कंप्रेस कर दिया, वो लूज पाउडर जो था लूज था। ठीक है, फिर उसके बाद पंच और डाई के थ्रू उसको हमने प्रेस कर दिया। ठीक है, प्रेस कर दिया तो एक आपका ग्रीन पार्ट निकल के आ जाएगा उससे। ठीक है, आगे समझेंगे इसको। अभी कॉम्पैक्शन का मतलब समझो कि आपने प्रेसिंग कर दी। ठीक, पहले आपके पास लूज पाउडर था उसमें आपने ब्लेंडिंग करी, फिर उसके बाद आपने जो है उसको कंप्रेस कर दिया। ठीक है, कंप्रेस कर दिया,
आप कंप्रेस करने मात्र से ही तो आपकी मतलब पूरी स्ट्रेंथ नहीं होगी, ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी आपके मटेरियल को, ठीक, आपके जो बॉन्ड्स हैं वो थोड़े से तो मतलब वो होंगे, पर मतलब क्या होगा कि एकदम से जो प्रॉपर बॉन्डिंग है वो नहीं आएगी। इसीलिए इस पार्ट को, जब ये पार्ट हमारा कॉम्पैक्शन के बाद से निकलता है, उसको हम ग्रीन पार्ट बोलते हैं, ठीक। तो इसके बाद उसने जाना है सिंटरिंग में, ठीक है। सिंटरिंग क्या होता है बेटा, हम क्या कर रहे हैं, एक एलिवेटेड टेम्परेचर पे हीट करेंगे, टू हीट अप टू एन एलिवेटेड टेम्परेचर, ठीक है। एलिवेटेड टेम्परेचर जो होगा वो आपका मेल्टिंग पॉइंट, जो बेस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है, जो आपका पाउडर का मेटल मेल्टिंग पॉइंट है, उससे नीचे रखना है, उससे नीचे रखना है। ये तो लॉजिकल बात है कि उससे आपको नीचे रखना, अदरवाइज वो मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। तो उससे हमने नीचे रखना है, तो उससे हम नीचे रखेंगे, ये आपका सिंटरिंग हो गया, ठीक। ये सब हम परफॉर्म कर रहे हैं कहां पे, ये सब परफॉर्म करेंगे, हमारी एक फर्नेस होती है, ग्रीन पार्ट हमने वहां से निकाला, निकालने के बाद हमने फर्नेस में डाल दिया, ठीक। फर्नेस में वो हीट होगा, टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। अब हीट होके अच्छी खासी उसमें बॉन्डिंग हो जाएगी उसके पार्टिकल्स में, ठीक है। अब बॉन्डिंग होने के बाद वो बेटा उस वहां से हमारा जो मटेरियल निकल कर आ जाएगा, जिसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ होगी, ठीक, समझ गया बेटा, ठीक है। जैसे कि मतलब भट्टी में डालते हैं, वही वाला है ये कंसेप्ट, ठीक है, ठीक। तो हमने सिंटरिंग फर्नेस में, ये जो सारा जो सिंटरिंग प्रोसेस परफॉर्म होता है, ये होता है आपका सिंटरिंग फर्नेस में, ठीक है बेटा, ठीक। आगे और भी पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक। फिर उसके बाद एक तो ऑप्शन है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ओके है, अब आपका रेडी टू यूज हो जाएगा सिंटरिंग के बाद, आफ्टर सिंटरिंग के बाद, ठीक। लेकिन लेकिन अगर आपको कुछ और स्पेसिफिकेशन कस्टमर के मीट करने हैं, या कुछ और उसमें सरफेस फिनिश आपको प्रोवाइड करानी है, तो कुछ सेकेंडरी ऑपरेशन भी आपको करने पड़ते हैं बेटा, ठीक। अब वो सेकेंडरी ऑपरेशन, जो इंपॉर्टेंट सेकेंडरी ऑपरेशन हैं, वो कई बार डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है, व्हाट इज साइजिंग, व्हाट इज इम्प्रेगनेशन, व्हाट इज इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ये चीजें हम परफॉर्म करते हैं, ठीक। साइजिंग, साइजिंग में दोबारा से हम प्रेस करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस में दोबारा से हम उसको बेटा प्रेस करते हैं, ठीक। इम्प्रेगनेशन में क्या होता है, ये बहुत अच्छा है, आपको मैं आगे इसको समझाऊंगा अभी। इसमें क्या करेंगे, जो हमने सिंटर्ड पार्ट लिया उसकी हम ऑयलिंग करेंगे, दैट मीन्स उसको हम ऑयल में डिप करेंगे, ठीक है। ऑयल में डिप क्यों कर रहे हैं, ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ताकि आपको इसका पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो इम्प्रेगनेशन में हम क्या करेंगे, इसको ऑयल में डिप करेंगे, ठीक। इनफिल्ट्रेशन में क्या करेंगे कि इसमें, इससे जो बेटा जो हमारा पार्ट प्रोड्यूस होते हैं, ये याद रखना ये लाइन, इससे जो भी हमारा पार्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसमें पोरोसिटी रहती है, ठीक है। अब उस पोरोसिटी का हमने कुछ एडवांटेज लेना है, ठीक है। हालांकि पोरोसिटी एक डिफेक्ट के रूप में माना जाता है, बट पाउडर मेटलर्जी में बेटा हम इसको एक एडवांटेजेस प्रॉपर्टी के रूप में लेंगे, ठीक है, ठीक। तो ये इनफिल्ट्रेशन में क्या है कि एक जो दूसरा फॉरेन मेटल है, ठीक है, उसको जो जो पोर्स हैं उसमें हम प्रिमिट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। उसको जो है उसके अंदर हम डाल देते हैं, जो पोर्स हैं उसके अंदर हम उसको डाल देते हैं, और ठीक है वहां से जो उसकी जो अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी बेटा स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, आगे इसको एलैबोरेट करके भी बेटा समझेंगे, ठीक है। मशीनिंग आपको बताइए, अगर आपको मशीनिंग करनी है और सरफेस फिनिश और अच्छी चाहिए, या कुछ और कस्टमर ने आपको करने के लिए बोला है, तो आप उसकी मशीनिंग करो। कई बार टर्निंग की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि गेयर्स होते हैं, क्रैंक गेयर वगैरह होते हैं, तो उसकी एक फेसिंग की आपको टर्निंग करनी पड़ती है, दैट इज मस्ट, यू नो इट इज योर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, तो यू हैव टू फुलफिल, तो आपको वो चीज तो आपको फुलफिल बेटा करनी ही पड़ेगी, ठीक। अगला है आपका हीट ट्रीटमेंट। अब वो कह रहा है कि जी मुझे इतनी हार्डनेस चाहिए, तो अब हार्डनेस कहां से लाओगे,
तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस लाइक टेम्परिंग वगैरह, ठीक है, मार टेम्परिंग, टेम्परिंग, ये सब आप करोगे तो आप कुछ उसकी जो मशीनेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, ये सब वगैरह हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के थ्रू बेटा आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके सेकेंडरी ऑपरेशन है, इट इज ऑप्शनल, बट अगर कस्टमर ने आपको बोला है तो यू हैव टू फुलफिल, ठीक है। तो पूरा आपको समझ में आ गया बेसिक, एक बार मैं बता देता हूं। सिंपल, हमने पाउडर लिया, पाउडर के बाद उसको ब्लेंड कर दिया, उसमें एडिटिव ब्लेंड कर दिए, फिर कॉम्पैक्शन किया, प्रेसिंग करी, फिर उसके बाद सिंटरिंग, सिंटरिंग फर्नेस में उसको डाल दिया, ठीक। फिर अगर सीधे यूज हो रहा है तो उसको सीधे यूज कर दिया, ठीक है, कस्टमर पे पहुंचा दिया। और फिर यदि आपको रिक्वायरमेंट है सेकेंडरी ऑपरेशंस की, तो ये डिफरेंट सेकेंडरी ऑपरेशन हमने बेटा परफॉर्म कर दिए। देखो एग्जाम में बिल्कुल ये सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि ये क्या क्या कैसे कैसे इसका सीक्वेंस है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा अगर पाउडर मेटलर्जी से आपको क्वेश्चन आता है तो, कई बार, बहुत बार, ठीक है, एन नंबर ऑफ टाइम्स इट इज आस्क्ड, ठीक है। तो बहुत बार ये पूछा है आपको, अब ये एक बार क्लियर हो जाएगा दिमाग में तो फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, ठीक, अब क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाई पाउडर मेटलर्जी? भाई अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी तो है हमारे पास, पाउडर मेटलर्जी की ही क्यों जरूरत पड़ रही है? तो कुछ रीजन है बेटा उसके। अब जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि सम मेटल्स लाइक टंगस्टन एंड टेंटलूम हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक, आपको पता ही है टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो बहुत हाई होता है। अब मैंने सोचा कि चलो यार टंगस्टन का कोई चीज़ बनाते हैं, हैं, तो उसको कास्टिंग से बना लेते हैं। बेटा कास्टिंग से कैसे बनाओगे, मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई है, उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट अचीव कैसे करोगे? तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और आप कॉस्ट तो बढ़ाना नहीं चाहते हो, ठीक है, आपको बताया है वैल्यू इंजीनियरिंग में, कॉस्ट आप बढ़ाना नहीं चाहोगे, अपनी लागत नहीं बढ़ाना चाहोगे आप, ठीक। आप देखो साथ साथ आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी पढ़ रहे हो तो आपको ये चीजें भी देखो, ये सब क्लब करना है, इंजीनियरिंग को आपको क्लब करना है, एक एक चीजों को, पॉइंट को नोट करके देखना है कि हाँ ये देखो ये यहाँ पे क्लब हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप जब करोगे, आप जब इसको समझोगे, समझ लो बस अच्छे से चीजों को, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप कुछ और क्रिएटिव नहीं कर पाओगे, ठीक है बेटा। तो आपको ये चीज क्रिएटिविटी जरूर लानी है अपनी चीजों में, ठीक है। तो क्रिएटिविटी तभी आएगी जब आप ये अपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लोगे, एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर आप आगे की चीजें भी समझोगे, ठीक है। ठीक, आपका एम सिर्फ एग्जाम क्रैक करना नहीं है, ठीक है, ये याद रखना, मैं बार बार आपसे ये बात बोलता हूँ, हर लेक्चर में बोलता हूँ, ठीक है, आपका एम सिर्फ एग्जाम क्रैक करना नहीं है, एक आपकी थिंकिंग डेवलप करवाना हमारा मोटिव है बेटा, ठीक है। तो आपकी सोच डेवलप करानी है कि हाँ ये मैंने बेसिक पढ़ा है, अब मैं क्या इसमें नया कर सकता हूँ, ठीक, वो तभी आएगा जब आपके ये बेसिक क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आपके पहले बेसिक क्लियर हो जाए, फिर हम लोग आपसे कुछ इनोवेटिव भी करवाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप जुड़े रहिए हम लोगों के साथ, ठीक है। चलिए, तो पीएम कैन बी यूज्ड, ठीक है, पीएम कैन बी यूज्ड फॉर द मेटल्स विच आर हार्ड टू मशीन, ठीक है। अब जैसे कुछ मेटल है आपके हार्ड टू मशीन है, अब आपका कोई टूल है जैसे आप टर्निंग कर रहे हो, ठीक है, तो टूल को हार्ड होना पड़ेगा किससे, जो आपका बेस मेटल है जिसको आपको मशीन करना है, ठीक है। तो उनको फिर आप अगर मान लो आपको टंगस्टन की मशीनिंग करनी है, तो टंगस्टन की मशीनिंग आप किससे करोगे, डायमंड से, है कि नहीं, डायमंड से करोगे। अरे तो डायमंड भैया कितना महंगा हो जाएगा, ठीक है ना, तो फिर सीधे हम कहां जाएंगे, पाउडर मेटलर्जी के पास, ठीक है। तो पाउडर मेटलर्जी से हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट है बेटा, ठीक है, आपको पता होने चाहिए ये बेसिक पॉइंट, ठीक। और मास प्रोडक्शन में पाउडर मेटलर्जी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। मास प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स शेप है आपकी, ठीक है, डाई पंच लिया, फटाफट डाला, ठीक है, एकदम
पाँच पाँच सौ छः छः सौ प्रोडक्ट आपके एक एक शिफ्ट में निकल जाते हैं। ठीक है, ठीक है। मैंने पाउडर मेटलर्जी सेक्शन में काम किया है, ठीक है, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि 500-600 प्रोडक्ट एक ही उसमें निकल जाते हैं। अब उसी पार्ट की देखो, आप समझो, उसी पार्ट की यदि मैं मशीनिंग करूंगा तो सोचो कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक। ठीक है, तो आपको मास प्रोडक्शन में, आपको जब हम आपको रिक्वायरमेंट है मास प्रोडक्शन की, तो आप जो है पीएम टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पाउडर कैन बी मेड अप ऑफ बेस मेटल और एलॉयस। ठीक है, तो या तो बेस मेटल का बना लो या फिर उसमें कुछ एलॉय भी, अगर एलॉय का पाउडर बनाना हो वो भी आप बना सकते हो, ये भी फैसिलिटी है। ठीक है, तो पाउडर को आप कैसे भी यूज कर सकते हो, या तो दो मटेरियल को आप मिक्स कर दो, उसका एलॉय बना लो, ठीक है, और या फिर आप एक सिंपल एक मटेरियल का, बेस मेटल का भी पाउडर आप बना सकते हो। ठीक है, तो इस इन वजहों की वजह से बेटा पाउडर मेटलर्जी जो है हम यूज करते हैं। ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब बेटा आता है हमारा कॉम्पैक्शन। ठीक, कॉम्पैक्शन क्या होता है, मैंने बताया था, देखो सिंपल आपको इमेजिन करना है और बाकी ये जो लिखा हुआ है उससे आपको, अगर एग्जाम में आपको कहीं जैसे एसएससी जेई वगैरह का आपका एग्जाम होता है तो वहां पे लिखने के लिए भी आ जाती हैं चीजें, तो ठीक है, तो और या फिर आप कहीं इंटरव्यू में हैं तो इस टाइप की डेफिनेशंस बेटा आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि ये क्या है, कैसे है। ठीक है, तो आपको जो है जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो छोटी छोटी, और इसके छोटा, जितना आप छोटा कर सकते हो इसको उतना आपके पास होना चाहिए, और एकदम से कोई भी पूछे कि कॉम्पैक्शन क्या है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक, बाकी आपको बेसिक पता है, इसमें हम प्रेसिंग ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस द ब्लेंडेड पाउडर आर प्रेस्ड इनटू शेप्स इन डाइस। ठीक है, तो ब्लेंडेड पाउडर को हम क्या कर रहे हैं बेटा, प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, और उसको जो है एक जो है मतलब शेप में ला रहे हैं, किसमें, डाई में, डाई के अंदर हम उसको प्रेस करेंगे और उसको एक डिजायर्ड शेप हम बेटा प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, तो कॉम्पैक्शन का मेन एम क्या है, ठीक है, वो हमें पता करना बेटा बहुत जरूरी है कि हम क्यों कर रहे हैं कॉम्पैक्शन। ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं कॉम्पैक्शन, द मेन एम ऑफ कॉम्पैक्शन इज टू गेट रिक्वायर्ड शेप। एक रिक्वायर्ड शेप दे दी है हमने, जो भी हमें चाहिए उसी हिसाब से हम डाई को अपनी बनाएंगे। ठीक है, ठीक, रिक्वायर्ड शेप, डेंसिटी, ये है पार्टिकल टू पार्टिकल कॉन्टैक्ट, उस टाइम भी जब हम प्रेस करेंगे बेटा उसको तब भी एक पार्टिकल टू पार्टिकल कॉन्टैक्ट, हालांकि इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा उन पार्टिकल के बीच में, लेकिन फिर भी बॉन्ड होगा, क्योंकि जब हम उसको प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, जब पंच से हम प्रेशर प्रेस करेंगे उसको, तो हालांकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा पर फिर भी बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, ठीक, तो पार्टिकल टू पार्टिकल कॉन्टैक्ट एंड मेक द वर्क पीस स्ट्रॉन्ग फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, इतना तो स्ट्रॉन्ग बना ही देंगे कि वो बाकी फर्दर प्रोसेसिंग उसके बाद वो सिंटरिंग फर्नेस में डाल दिया जाए। ठीक, ठीक है, सिंपल बनाया फिर उसके बाद उसको कच्चा, जैसे कहते हैं ना, जैसे कच्चा, जब कच्चा घड़ा बनाते हैं, ठीक है, फिर उसको पकने के लिए भट्टी में डालते हैं, वही प्रोसेस, उससे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यही चीज हो रहा है, उसको कच्चा बनाया, कच्चा दैट इज ग्रीन, आप इसको अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलोगे तो आपका वो होगा ग्रीन पार्ट। ठीक है, तो ग्रीन पार्ट आपने क्या किया, उसको फर्नेस में डाल दिया, फर्नेस में आप जो है उसको, उसके बाद सिंटर्ड प्रोडक्ट आपको मिले जाएगा। ठीक है, एज द कॉम्पैक्शन प्रेशर इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द पार्ट और वर्क पीस इंक्रीजेस। तो सिंपल कंसेप्ट है, जैसे जैसे आप उसका प्रेशर बढ़ाओगे आपकी जो डेंसिटी है, ठीक है, वो जो है, क्योंकि पार्टिकल क्लोज आते रहेंगे और क्लोज आएंगे जितना प्रेशर डालोगे आप उस पर, ठीक है, तो आपकी जो है डेंसिटी बेटा बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पैक्टेड पार्ट
इज कॉल्ड ग्रीन स्ट्रेंथ। बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पैक्टेड पार्ट इज कॉल्ड ग्रीन स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये भी आपको ध्यान रखने। ठीक है बेटा, ठीक, चलिए इस प्रोसेस को अब अच्छे से समझ लेते हैं कि इसमें बेटा हो क्या रहा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको ये पूरा प्रोसेस दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें ये देखिए डाई है, डाई के अंदर सबसे पहले हमने पाउडर फिल कर दिया है। ये ग्रीन ग्रीन जो आप देख रहे हो बेटा, ये आपने इसमें पाउडर फिल कर दिया है, ठीक। अब पाउडर फिल करने के बाद अब दो पंच, अपर पंच है और एक लोअर पंच है, फिर उसके थ्रू हमने उसको प्रेस कर दिया, ठीक है, उसके थ्रू हमने उसको प्रेस कर दिया, प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद फिर क्या हुआ, जो आपने, जो आपका अपर पंच है उसको मैंने विड्रॉ कर दिया। तो उसको जब मैंने विड्रॉ किया, ठीक, तो जो लोअर पंच है, लोअर पंच से उसको, उसको जो है पुश कर दिया, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेक्शन, ठीक है, इजेक्ट कर रहे हैं, इजेक्ट तो आप समझते ही होंगे, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेक्शन। अपर जो पंच है उसको मैंने विड्रॉ किया और लोअर पंच से हमने जो मेरा जो ग्रीन पार्ट है उसको जो है हमने इजेक्ट करा दिया, या पुश करके उसको इजेक्ट करा दिया, ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, ठीक है ना। चलिए चलिए अब आते हैं बेटा सिंटरिंग पे, ठीक। तो कॉम्पैक्शन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, फिगर से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और भी आप एक बार और उसको देखेंगे तो आपको और अच्छे से बेटा वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब सिंटरिंग पे जाते हैं। सिंटरिंग क्या होती है? इन दिस प्रोसेस द ग्रीन कॉम्पैक्ट्स आर हीटेड इन ए कंट्रोल्ड एटमोस्फेयर फर्नेस, ठीक है, कंट्रोल एटमोस्फेयर फर्नेस, ठीक है, अप टू सम एलिवेटेड टेम्परेचर, ठीक, मैंने बताया था एलिवेटेड टेम्परेचर पे कंट्रोल एटमोस्फेयर, जैसे फर्नेस है आपको एक कंट्रोल एटमोस्फेयर आपको प्रोवाइड कराना पड़ता है, ठीक है, ठीक, उसमें आपको टेम्परेचर, वेल्ट स्पीड, ये सब आपको फिक्स रखनी पड़ेगी, कितने टाइम के लिए आपको करना है, ठीक है। तो कितने टाइम के लिए करना है ये सब आपका जो मटेरियल है, जो पाउडर है आप यूज कर रहे हो, ये सब को देख के आप वो सब सेट करोगे, आपको पता होगा, उसी हिसाब से फिर आपकी जो बेल्ट की स्पीड है, ठीक है, कितने टाइम के लिए, मतलब कहीं कहीं बेल्ट की स्पीड को करते हैं, कहीं कहीं टाइम भी करते हैं, ठीक है, जहां मैं था वहां बेल्ट स्पीड के आधार पे करते थे, तो वो निकल जाएगी स्पीड, जितनी लंबी बेल्ट है उसी हिसाब से आपका आपका टाइम फिक्स होगा, तो आप उसकी वो निकाल लोगे, ठीक है, उसकी स्पीड निकाल लोगे कि कितनी स्पीड मैंने बेल्ट की रखनी है, ठीक है, ठीक। और ब्लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पाउडर मेटल, ये याद रखना है बेटा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है, ब्लो द मेल्टिंग पाउडर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पाउडर मेटल, ठीक है, तो उसके आपके मेल्टिंग पॉइंट के ब्लो ही हमने रखना है, ठीक है, टू अलाउ बॉन्डिंग ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, ठीक है, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं उनकी बॉन्डिंग करने के लिए, बॉन्डिंग करने के लिए, ठीक है, आपको जो मैंने वो कुम्हार वाला बताया था वो दिमाग में रखना है आपको, ठीक है, वही चीज हम कर रहे हैं, ठीक है, हालांकि हाईली टेक्निकल कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, वहां पर भी वो वही चीज कर रहा है, ठीक, इन छोटी छोटी चीजों को बेटा आप लोग ऑब्जर्व किया करो, तभी आपको भी समझ में आएगा कि यार ये तो हम टेक्निकली भी करते हैं, हालांकि वो तो अनपढ़ है, उसको तो नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या क्या करना है, कितना टेम्परेचर रखना है, लेकिन हम जब इस चीज को समझेंगे कि हाँ यार ये चीज होती होती तो है, तो तब आप इसको कनेक्ट कर पाओगे, कुछ और इनोवेट कर पाओगे चीजें, ठीक है बेटा। ऐसे ही इंजीनियरिंग को आपको पढ़ना है, ऐसे ही इंजीनियरिंग को समझना है, और यही समझोगे तभी जो है आपको जो है अच्छा इंजीनियर माना जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, इन सिंटरिंग प्रोसेस द मेजर वेरिएबल्स आर क्या है, टेम्परेचर, टाइम एंड फर्नेस एटमोसफेयर, ठीक है, आपको टेम्परेचर मैंने बताया, टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको मेंटेन रखना है,
टाइम देखना है, ठीक है, कहीं कहीं स्पीड भी देखी जाती है, ठीक है, और आपका फर्नेस का जो एटमॉस्फेयर है उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सेंटरिंग टेम्परेचर जनरली, जनरली है ये, ठीक है, कहीं और चेंज भी हो सकता है, ठीक है, जनरली जो होता है 0.7 to 0.9 TM। TM आपका क्या है यहां पर बेटा? TM है, TM है आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल पाउडर, ठीक है, जो आपका मेटल पाउडर है उसका मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक, समझ में आ गया है, ठीक है। एक एक पॉइंट आराम आराम से लेकर चल रहे हैं, और आराम आराम से आप इसको देखोगे तो बस जितना टाइम में आप ये वीडियो देखोगे उतने टाइम में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया बस फिर नहीं भूलोगे आप, एक दो बार इसको पढ़ लोगे, रिकॉल कर लोगे, फिर आप कभी नहीं भूलोगे इस चीज को, ठीक है बेटा। चलिए, सेंटरिंग टाइम रेंजेस फ्रॉम 10 मिनट्स टू 10 मिनट्स। किसके लिए रहता है ये? डिफरेंट डिफरेंट पाउडर के लिए रहता है बेटा। इसका मैंने एक जस्ट एक एग्जाम्पल आपको लिख के इसमें दिखाया है, ठीक है, तो आप देख सकते हो आयरन एंड कॉपर एलॉयज, ठीक है, एंड 8 आवर्स किसका होता है बेटा? टंगस्टन एंड टेंटलम, ठीक है, टंगस्टन एंड टेंटलम, ठीक है, आप इनका जो है आपका 8 आवर्स रहता है और उसका बेटा 10 मिनट्स रहता है, ठीक। तो समझ में आ गया सिंटरिंग प्रोसेस आपको, कि सिंटरिंग प्रोसेस में आप क्या कर रहे हो, ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ हीटिंग कर रहे हैं, ग्रीन पार्ट निकाला और उसको हीट कर दिया, और क्या क्या और कंडीशंस हैं वो मैंने आपको बता ही दी है बेटा, ठीक ठीक कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए, अब ये देखिए बेटा, एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट जो इससे समझ में आता है हमें, ठीक है, पाउडर मेटलर्जी से। जैसे आप, आपका ये लूज पाउडर है सामने आपको दिखाई दे रहा है, ठीक, लूज पाउडर है, फिर क्या किया मैंने, उसको कॉम्पैक्ट कर दिया, ठीक है, कॉम्पैक्ट कर दिया, ठीक, कॉम्पैक्ट करा तो वो जो पार्टिकल थे, ये जो आपको जो दिखाई दे रहे हैं ऑरेंज कलर में, ये आपके पार्टिकल हैं, ठीक है। जब आपने इसको कॉम्पैक्ट कर दिया, कॉम्पैक्ट करने के बाद तो वो मीट कर गए, मीट कर गए, हालांकि इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी उसमें, लेकिन उसके बाद जब आप सिंटरिंग करोगे, इसकी सिंटरिंग करोगे, तो ये अच्छे से बेटा इनमें बॉन्डिंग हो जाएगी, लेकिन लेकिन इसमें जो पोर्स रह जाएंगे, पोर्स देखो जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का, ठीक है, ये आपके बेटा पोर्स हैं। ये तो मैंने मतलब सिंपल समझाने के लिए बताया है, ऐसे बहुत सारे पोर्स आपके मटेरियल में आ जाते हैं, ठीक है, जो आपने बनाया है पाउडर मेटलर्जी से, बहुत सारे पोर्स आपके मटेरियल में बेटा आ जाते हैं। अब इस पोर्स का हमने एडवांटेज लेना है, ठीक है, इससे हम अपने जो है इसको उसको डिसएडवांटेज नहीं बनाना है इसको, अब इसको एक, ठीक है, अब जो कहते नहीं है कि आपदा में भी अवसर, ठीक है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही आपको समझना है कि अब ये अब है तो दिक्कत, लेकिन अब इसको हमें कैसे अवसर में बदलना है, ठीक है, ठीक, तो समझ में आ गया आपको बेटा, यहाँ पे पोरोसिटी कैसे हो रही है, पोरस कैसे, जो पोर्स जो है बेटा कैसे बन रहे हैं, ये आपको बेटा समझ में आ गया होगा। चलिए, ये है बेटा आपके सेकेंडरी ऑपरेशंस, ठीक, आप सेंटरिंग के तुरंत बाद भी बेटा फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें सेकेंडरी ऑपरेशन हमारे बेटा रिक्वायर्ड नहीं होते, ठीक है, सेकेंडरी ऑपरेशन हमारे बेटा रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, ठीक है, तो अगर रिक्वायर्ड है, कस्टमर मांगता है, तो आप सेकेंडरी ऑपरेशन करोगे, ठीक। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस मैंने इंक्लूड करे हैं जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो प्रोसेस है बेटा साइजिंग, कहीं कहीं बेटा इसको क्वाइनिंग भी बोला जाता है, ठीक है, तो आप ये चीज याद रख लेना, अगर चाहो तो अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। इट इज नथिंग बट द रिप्रेसिंग ऑफ पार्ट इन ए हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है, आपको पता है ये सारा जो प्रेसिंग वाला काम चलता है,
जनरली जनरली जो है हाइड्रोलिक प्रेस में होता है, ठीक है। बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक प्रेस होती हैं, 10 टन से लेके 100 टन तक की आपकी हाइड्रोलिक प्रेस होंगी, ठीक है। उसको उस पे हम ये सारे काम बेटा करेंगे, ठीक है। हाई और ये जो साइजिंग वाली होती हैं ये तो इवन 1000 टन की भी हो जाती हैं, ठीक है। तो मतलब वो डिपेंड करता है आपको कौन सा आप मटेरियल इसमें साइज कर रहे हो, ठीक है। तो आप ये चीज़ें देखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं कि ठीक है। चलिए तो साइजिंग आपको समझ में आ गया क्यों यूज होता है आपका। इट इज नथिंग बट द रिप्रेसिंग ऑफ पार्ट इन हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस में हमने ये कर दिया। दिस प्रोसेस इज यूज टू इंप्रूव डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश ऑफ सिंटर्ड पार्ट, ठीक है। ठीक, तो आपका सरफेस फिनिश को ठीक करेगा, ठीक है। और डायमेंशनल एक्यूरेसी अगर कुछ उसमें रह गई है तो दोबारा प्रेसिंग करके उसको हम ठीक कर सकते हैं, ठीक। समझ में आ गया बेटा, साइजिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। साइजिंग नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, साइजिंग, ठीक है। दैट मीन्स डायमेंशनल एक्यूरेसी, साइज करना, जैसे कुछ साइज करते हैं ना वैसे आपको याद रखना है ये चीज, ठीक है। चलिए अब इम्प्रेगनेशन, ठीक है। इम्प्रेगनेशन क्या होता है बेटा? इन दिस प्रोसेस ऑयल इज प्रीमिटेड, ठीक है। प्रीमिटेड मतलब अंदर जो है उसको हम रिसा रिस मतलब क्या कर कहना चाहिए, रिस रहा है, ठीक है। रिसना बोलते हैं उसको, ठीक है। तो प्रीमिटेड इन टू पोर्स ऑफ सिंटर्ड पार्ट बाई इमर्सिंग द पार्ट इन हीटेड ऑयल, ठीक है। ठीक, हीटेड ऑयल में जो है हम इसको अपने पार्ट को, जो भी हमारा पार्ट बना है बेटा, ठीक है, उसको हम इमर्स करा रहे हैं, ठीक है। ठीक, इसको मैं समझा देता हूं आपको जरा थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए बेटा, इधर से समझाते हैं, ठीक। चलिए ये देखिए, ये आपका पार्ट है, ठीक, ये आपका पार्ट है। अब इसमें आपके छोटे छोटे पोर्स होंगे, ये इसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे, पोर्स होंगे, ठीक है। ठीक ठीक हो गया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसको इसको ऑयल में, हीटेड ऑयल, ठीक है, ये आपका हीटेड ऑयल है, क्या है, हीटेड हीटेड ऑयल, ठीक है। हीटेड ऑयल में हम इसको डिप करेंगे, ये हमारा पार्ट है, ठीक है, और ये आपके पोर्स, ठीक। इसको हम बेटा डिप कर देंगे इसके अंदर, ठीक। अब क्या होगा, ये डिप कर दिया बस, फिर इसको रेडी टू यूज, आपने इसको यूज करना स्टार्ट करना है, ठीक। लेकिन जब भी, जब क्या होगा, जब इस पे प्रेशर पड़ेगा या टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा, जब इस पे दोबारा बना देता हूं, ठीक है, जब इस पे आप प्रेशर डालोगे, ठीक है, प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो पोर्स के अंदर बेटा ऑयल भरा हुआ था, ठीक है, जो पोर्स के अंदर ऑयल भरा हुआ था वो निकल के बाहर आ जाएगा, निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है, निकल के आपका बाहर आएगा, ठीक है। जब ये ऑयल निकल के बाहर आएगा तो बेटा वो उस पार्ट को क्या बना देगा, सेल्फ लुब्रिकेटिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सेल्फ लुब्रिकेटिंग। तो ये जो इसमें प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराएगा, इट विल प्रोवाइड प्रोवाइड सेल्फ लुब्रिकेटिंग, सेल्फ
लुब्रिकेटिंग, सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी टू द पार्ट। ठीक है, ठीक है। तो आपकी जो बियरिंग्स होती हैं बेटा, बियरिंग्स जो होती हैं, जो ब्रशेस होते हैं आपके, ठीक है, जो बुशेस बोलते हैं हम उनको, ठीक, तो उनमें क्या करते हैं हम बेटा, ये इंप्रेग्नेशन प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, तभी वो कहते हैं सेल्फ लुब्रिकेटिंग है, आपको लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं पड़ रही यहां पे। ठीक है, तो अपने आप ही वो लुब्रिकेशन हो जाएगा। जैसे ही वो अंडर प्रेशर या अंडर जो आपके जो अंडर हाई टेम्परेचर आएगा, वैसे ही जो पोर्स के थ्रू, अब देखो हमने यहां पर ये हमारा डिसएडवांटेज था, उसको हमने एडवांटेज में कन्वर्ट कर लिया, सेल्फ लुब्रिकेटिंग, लुब्रिकेशन को बचा लिया हमने, उसको लगाने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, तो अब यहां से हमने इसको सेल्फ लुब्रिकेटिंग बना दिया। समझ में आया बेटा? ठीक है, ये है इंजीनियरिंग। ठीक है, ऐसे ऐसे समझना है आपको, तो ऐसे समझोगे तो और अच्छा लगेगा आपको बेटा। ठीक है, ठीक। तो जो बियरिंग्स वगैरह होती हैं बेटा, वो पाउडर मेटलर्जी से बेटा बनाई जाती है। तो इस प्रोसेस को, ये जो पूरा प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, ठीक है, तो मैंने जो बताया कि इसमें जो ऑयल है इसके अंदर चला जाता है, फिर उसके बाद जब उसमें प्रेशर हम लगाते हैं, ठीक है, तो वो ऑयल बाहर आता है। जब वो ऑयल आपका बाहर आता है तो वो उसको जो है लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराता है, इसीलिए उसको कहते हैं कि ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग है इसमें। ठीक है, सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी है। ठीक, समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंप्रेग्नेशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट समझते हैं बेटा। नेक्स्ट हम समझते हैं, मैं ये स्टार्ट कर देता हूं जरा। ओके, चलिए अब समझते हैं बेटा इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन आप समझते ही होंगे, आपने न्यूज व्यूज में सुना होगा। ठीक है, तो इनफिल्ट्रेशन क्या हुआ, कोई फॉरेन मटेरियल आपके उसमें आएगा, उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं ये देखिए आप, इन दिस प्रोसेस द मेटल स्लग, ठीक है, मेटल का जो स्लग है, ठीक है, इज प्रिमिटेड इनटू पोर्स। ठीक है, पोर्स ऑफ सिंटर्ड पार्ट। अभी क्या था, ऑयल डाला था। देखो बेसिक डिफरेंस है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, याद करने में भी कोई भी प्रॉब्लम बेटा आपको जो है नहीं होगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहां पे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, सिंटर्ड पार्ट में हम जो है प्रिमिट करा देंगे। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया आपको। ठीक है, बाय हीटिंग द पार्ट एंड मेटल स्लग। फिर उसके बाद जो वो असेंबली है, ठीक है, वो तो एंटर करा दिया, फिर उस असेंबली को हम हीट करेंगे। ठीक है, अप टू सफिशियंट टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर, कि जब तक आपका वो मेटल स्लग जो है मेल्ट ना करे। ठीक है, जो मेटल स्लग जो है वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद जो क्या होगा, मेल्ट होने के बाद क्या होगा, वो जो उसके पोर्स हैं उसमें जाके भर जाएगा। ठीक है बेटा, उसमें भर जाएगा। ठीक, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी और जो हमारा जो मटेरियल है उसकी बेटा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन जो भी आप फॉरेन मटेरियल वहां पे यूज कर रहे हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो बेस मेटल है, जो मटेरियल जिसका बना हुआ है, ठीक है, उससे कम होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, उससे ज्यादा वाला नहीं यूज कर सकते वहां पे। ठीक है, ठीक, उससे कम होना चाहिए। ठीक है, वरना वो पिघल जाएगा। ठीक है ना, तो आपको क्या है ना, उससे कम वाला यूज करना है। जैसे कि बहुत कॉमनली यूज होता है आपका ये इन्फिल्ट्रेशन ऑफ आयरन बेस कॉम्पैक्ट विथ कॉपर। ठीक, उसमें क्या कर रहे हैं, हम कॉपर को पोर्स में डाल दे रहे हैं। ठीक है बेटा, तो दोनों सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, इंप्रेग्नेशन में ऑयल को हम डाल रहे हैं, ठीक है, पोर्स में ऑयल को हम डाल रहे हैं।
ठीक है। और जो इन्फिल्ट्रेशन में आपका कोई फॉरेन मटेरियल जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो बेस बेस मेटल है उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम हो, उसको हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं पोर्स में। ठीक है, ठीक समझ में आ गया। उससे क्या मिल रहा है आपको, सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी मिल रही है, और इससे क्या मिल रहा है आपको, हाई स्ट्रेंथ और डेंसिटी, हाई डेंसिटी मिल रही है। ठीक है बेटा, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा ये। ठीक, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आप कहीं से भी पूछ ले, आपको कोई दिक्कत नहीं, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होती बेटा। ठीक है, चलिए चलिए अब बेटा इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जरा देख लेते हैं। ठीक ठीक, जो बेसिक जितना भी था कंसेप्चुअल वाइज जितना भी थोड़ा बहुत था इसके अंदर बेटा, वो सारी चीजें मैंने आपको कवर करा दी हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी आपकी फर्दर नॉलेज के लिए भी। ठीक है, क्योंकि अच्छा ये मतलब टेक्नोलॉजी है, बहुत यूज होती है। ठीक है, तो आप एक बार इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको भी इसको समझ के अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए एडवांटेज, पहला एडवांटेज बेटा, पार्ट्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स एट लोअर कॉस्ट। ठीक है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट जैसे कि मैंने टंगस्टन का बेटा आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है, अगर आपका मेल्टिंग पॉइंट हाई है किसी किसी मेटल का, तो वी कैन यूज पाउडर मेटलर्जी। ठीक है, तो आपसे उससे क्या होगा, आप आपकी जो लागत है जो कॉस्ट है वो आप अपनी कम कर सकते हो। ठीक, प्रोडक्शन रेट आर हाई इवन विथ कॉम्प्लेक्स शेप, जैसे मैंने आपको बताया एक गेयर है, बड़ी मुश्किल से आपको बना, गेयर किस पे बनाते हो जनरली, किस पे बनाते हैं हम, मिलिंग मशीन में गेयर काटते हैं ना, गेयर टूथ जो काटते हैं। ठीक है, तो बहुत टाइम लगता है बेटा, बहुत कंज्यूम। अब इसमें क्या होगा, सीधा डाई पंच होगा, खटाखट करके आता रहेगा वो। ठीक है, ठीक, एकदम कॉम्पैक्शन होगा, बाहर आएगा सेंटरिंग में डालेंगे। ठीक है, लगभग 45 मिनट्स की साइकिल होती है। ठीक, और आपका पार्ट तैयार। ठीक है ना, ठीक, तो आप समझ रहे होंगे कितना फास्ट होगा। ठीक, नियर नेट शेप, नियर नेट शेप का मतलब होता है बेटा कि आपको कोई फर्दर सेकेंडरी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, मतलब आपको कोई, जैसे जैसे कि आपने कास्टिंग का मटेरियल बनाया, तो आपको पता है ना कि आपको कास्टिंग वो होने के बाद, मतलब जैसी आपकी कास्टिंग आपने बाहर निकाली तोड़ के, ठीक है, तो उसके होने के बाद आप एकदम से उसको कस्टमर को सप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके बाद आपको फिनिशिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, उसको हटाना पड़ेगा, जो अनवांटेड मटेरियल है उसको रिमूव करना पड़ेगा, कई तरीके के प्रोसेसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बस आपने लिया, सेंटर्ड कराया, सेंटर कराने के बाद, ठीक है, अगर कोई कस्टमर की अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, अनलेस एंड अंटिल कोई अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जो है सीधा इसको रेडी टू यूज फॉर द कस्टमर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इसका वन ऑफ द एडवांटेज है। ठीक है बेटा, ठीक, चलिए, पीएम पार्ट्स कैन हैव डिजायर्ड मैकेनिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी, हार्डनेस, टफनेस एंड स्टिफनेस एटसेट्रा। ठीक है, तो डिजायर्ड जिस भी तरीके की मुझे मैकेनिकल फिजिकल प्रॉपर्टी चाहिए उस हिसाब से मैं मटेरियल को ब्लेंड कर सकता हूँ। ठीक है, कहाँ पे, जब पाउडर फॉर्म में बनाना है मुझे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पाउडर को ब्लेंड करके उसका एक ब्लेंडेड पाउडर मैंने बना लिया, जो जो मुझे कि अगर इसमें कुछ अलग दूसरी प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी चाहिए, इसमें कुछ दूसरी प्रॉपर्टी चाहिए, तो दो टाइप के मटेरियल हैं उनको हम ब्लेंड करा लेंगे। ब्लेंड कराने के बाद उसको हम उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ वेरी ईजी। ठीक है, ये ब्लेंडिंग कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें तो आप आराम से जो है कुछ भी कर सकते हो। ठीक, अब देखिए, पार्ट्स विद कंट्रोल्ड पोरोसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड। देखो, कंट्रोल्ड पोरोसिटी मैंने अभी आपको बताई थी वो चीज। ठीक है, तो बड़े आराम से आप पोरोसिटी से आप जो है सेल्फ लुब्रिकेशन के जो है मतलब
आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो आपका सेल्फ लुब्रिकेशन प्रोवाइड करा सकते हो, अपने जो पार्ट को सेल्फ लुब्रिकेशन प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए, हाईली स्किल्ड वर्कर आर नॉट रिक्वायर्ड, इसमें कोई हाईली स्किल्ड वर्कर की जरूरत नहीं है। जब बेटा मैं था कंपनी में तो हम ऐसे ही किसी को रख लेते थे, बस उसने क्या करना है, मशीन उसको ऑन ऑफ का बटन बताते थे कि कैसे लोड करना है, ठीक है, और कैसे अनलोड करना है, बस, बाकी वो अपना चलता रहता था अपने आप, ठीक है। तो इसमें कोई स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, हालांकि वो जब उसकी टूलिंग वगैरह की सेटिंग वेटिंग करते हैं तो वो तो इंजीनियर्स करते हैं, ठीक है, वो सब डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, ठीक है, या फिर आपके बीटेक होल्डर होते हैं, ठीक है। तो वो टूल की सेटिंग से उनका वर्कर्स का कोई लेना देना नहीं है। तो टूल की सेटिंग या तो डिप्लोमा होल्डर करते हैं या फिर आपके बीटेक होल्डर करते हैं, ठीक है, ठीक। चलिए, अब बेटा लिमिटेशंस देख लीजिए, बहुत एडवांटेज एडवांटेज बता दिए मैंने इसके, थोड़ा लिमिटेशंस भी देख लेते हैं इसकी, ठीक। हाई कॉस्ट ऑफ मेटल पाउडर, बेटा मेटल पाउडर, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कोई मेटल पाउडर बनाना जो बहुत इजी काम है कि मिक्सी में पीस लिया चटनी बनाने के तरह है, ऐसा नहीं है बेटा, इट इज वेरी कॉस्टली, ठीक, बहुत कॉस्टली है ये भी, ठीक। लेकिन यह है कि हमारे पास अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, विच इज ठीक है, अब मतलब आपके सिलेबस में नहीं है ये सारी चीजें, लेकिन अगर आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में और जानेंगे और जाएंगे तो आप समझेंगे कि मतलब ये जो कहना चाहिए मेटल पाउडर जो बनता है, ठीक है, वो भी बहुत अपने आप में एक हाईली टेक्निकल जो है, मतलब आपका जो है टेक्निकल प्रोसेस है, ठीक है। तो उसको आपको अगर यदि समझना है आगे तो आप जो है देख सकते हैं इसको फर्दर, ठीक। हालांकि आपके एग्जाम वगैरह में और जो आपके जो सिलेबस है उसमें ये इतना नहीं पूछा जाता, ठीक है, ठीक। लेकिन आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं उसके, ठीक है, जैसे ऑटोमाइजेशन करके होता है, रिडक्शन होता है, तो उस हिसाब से हम जो है उसको करते हैं, ठीक। आप चाहें तो इसको एक बार जाके कर सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, ठीक है। चलिए, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। फ्यू पाउडर्स आर वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर विदाउट डेटोरेशन, ठीक है। तो कुछ पाउडर ऐसे होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, आपने तो बना लिया लेकिन वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से रिएक्ट कर जाते हैं, तो फिर वो दिक्कत कर देते हैं, वहां पे जो लोग होंगे उनके लिए दिक्कत कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज भी आपको देख के चलनी पड़ती है, ठीक। इसीलिए जो पाउडर मैन्युफैक्चरिंग है बेटा, ये बहुत सफोस्टिकेटेड जो आपका जो है जो मेथड है, ठीक है। तो आप जो है इसको मतलब अगर आप देखना चाहेंगे तो इसको आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये तो बड़ा मतलब हाईली टेक्निकल है, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे इसको, ठीक। चलिए, अब हाई कॉस्ट ऑफ टूलिंग इक्विपमेंट स्पेशली इंपॉर्टेंट व्हेन प्रोडक्शन वॉल्यूम आर स्मॉल। देखो, पाउडर मेटलर्जी में अगर आपका प्रोडक्शन ज्यादा नहीं करना है आपको तो डोंट गो फॉर पाउडर मेटलर्जी। सिंपल सा एक थंब रूल कि अगर आपका प्रोडक्शन जो है हाई नहीं है, ठीक है, अगर आपका प्रोडक्शन हाई नहीं है तो डू नॉट गो फॉर पाउडर मेटलर्जी, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्शन हाई है, अगर आपको प्रोडक्शन वॉल्यूम आपका हाई है तभी आप, क्योंकि इसमें बेटा जो टूलिंग कॉस्ट है, ये जो डाई वगैरह हैं, पंचेस वगैरह हैं, ये बहुत कॉस्टली होते हैं बेटा, ठीक है, बहुत कॉस्टली होते हैं, ठीक है। तो मतलब एक एक पंच जो है 25-25, 30-30 हज़ार का आता था, और कुछ तो जो बड़ी मशीनें होती थी, बड़ी हाइड्रोलिक प्रेस हुआ करती थी, उनका तो 70-80 हज़ार, 1 लाख तक का भी जो है डाइये आती थी, ठीक है, 1-1.5 लाख तक की डाइये आती थी, ठीक। तो ये बहुत कॉस्टली कॉस्टली हो जाएगा अगर आप मास मास प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, वेरी लार्ज इक्विपमेंट कैन नॉट बी मेड, ठीक है, ज्यादा बड़े इक्विपमेंट नहीं बना सकते, ठीक है, ठीक, ज्यादा बड़े इक्विपमेंट आप नहीं बना सकते, वो उसके आधार उसके उसके लिए फिर आपको प्रेसेस, अब ज्यादा बड़ा बनाओगे तो उस हिसाब से आपको डाई और पंच, ठीक, ऊपर से फिर हाइड्रोलिक प्रेस, तो आप ज्यादा बड़े इक्विपमेंट इसमें बेटा नहीं बना सकते,
ठीक, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, लो स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी एज कंपेयर टू फोर्जिंग, ठीक है, एज कंपेयर टू फोर्जिंग, ठीक। इसमें जो फोर्जिंग में तो स्ट्रेंथ ज़्यादा ही रहती है, ठीक है, तो इसकी जो एज कंपेयर टू फोर्जिंग जो है थोड़ी स्ट्रेंथ कम होती है और डक्टिलिटी भी बेटा कम होती है, ठीक है बेटा। तो आपको समझ में आ गई, लिमिटेशंस समझ में आ गई, एडवांटेजेस इसके समझ में आ गए, ठीक, ये प्रोसेस क्या होता है पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए अब इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पे जाते हैं बेटा। तो ये है बेटा आपके एप्लीकेशंस, ठीक। देखो मेटल फिल्टर्स, सबसे पहला मेटल फिल्टर, जो फिल्टर्स हम यूज करते हैं, ठीक, डिफरेंट टाइप के जो मेटल फिल्टर्स हम यूज करते हैं, मेटल फिल्टर्स जो हम यूज करते हैं, ठीक है, ठीक, ये फिल्टर्स है, ठीक है, जैसे मॉइस्चर फिल्टर होता है, तो ये मॉइस्चर को तो यहां पे अरेस्ट कर लेगा, ठीक, और एयर को जो है पास कर देगा, एयर को जो है आपका पास कर देगा, एयर, ठीक है, मॉइस्चर अरेस्टेड, ठीक है। तो इस टाइप के जो फिल्टर्स होते हैं बेटा, जो फिल्टर्स होते हैं, ठीक, उसके लिए हम किसको यूज करते हैं बेटा, जो पाउडर मेटलर्जी को यूज करते हैं। बियरिंग एंड बशेस मैंने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है, बियरिंग आपका क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, ये आपने समझ ही लिया, ठीक है। सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, तो सेल्फ लुब्रिकेटिंग अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो आपको बेटा पाउडर मेटलर्जी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कटिंग टूल एंड डाइज, ठीक, कटिंग टूल एंड डाइज, क्योंकि जो हार्ड मटेरियल के बने होते हैं ये, ठीक है, कटिंग टूल्स वगैरह, ठीक है, तो उसके जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, तो इस वजह से बेटा हम जो है यूज करते हैं कटिंग टूल्स और डाइज बनाने के लिए भी हम पाउडर मेटलर्जी यूज करते हैं, ठीक। बाकी गेयर्स, जो जहां मैं काम करता था बेटा वहां गेयर्स बना करते थे, ठीक है, वहां सारे तरीके के बेटा गेयर्स बना करते थे, ठीक है, तो गेयर स्प्रॉकेट्स एंड रोटर्स, ठीक है, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए भी बेटा ये यूज होता है, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बेटा इस टाइम बहुत यूज हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है पाउडर मेटलर्जी टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो गेयर्स बनाने के लिए, अधिकतर गेयर बनाने के लिए ये, और एक वाटर पंप की पुली वगैरह होती है वो भी बनाते हैं, ठीक है, क्रैंक गेयर, ठीक है, कैमशाफ्ट गेयर, जितने भी तरीके के वो हैं उसको हम, जो गेयर्स हैं जितने भी तरीके के, वो हम जो है पाउडर मेटलर्जी टेक्नोलॉजी से बेटा बना, ठीक है बेटा। तो एक बार मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा आपको रिवाइंड करा देता हूं, फिर इसको फिनिश कर लेंगे, ठीक है, ये देखिए बेटा, ठीक। अब इस स्लाइड पे ध्यान रखना है आपको, ठीक, सबसे पहले क्या किया हमने, पाउडर बनाया, फिर उसके बाद उसकी ब्लेंडिंग करी, डिफरेंट एडिटिव बनाए, कॉम्पैक्शन किया, सिंटरिंग करी, अब सब समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि मैंने आपको सब बता दिया है, ठीक है। तो पहले फिर कॉम्पैक्शन किया, फिर सिंटरिंग करी, सिंटरिंग के बाद यदि कोई कस्टमर की अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है तो सीधा हमने प्रोडक्ट कस्टमर पे भेज दिया, अगर उसकी कोई अलग रिक्वायरमेंट है तो हम सेकेंडरी ऑपरेशन पे गए, सेकेंडरी ऑपरेशन में हमने साइजिंग देखा, साइजिंग किस लिए यूज होता है बेटा, साइजिंग किस लिए यूज होता है, साइजिंग आपका जो है डायमेंशनल एक्यूरेसी के लिए यूज होता है, ठीक है, तो उसको रिप्रेसिंग करते हैं, ठीक। इम्प्रेगनेशन आपको पता ही है, सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन आपकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, फॉरेन मटेरियल को लेके आते हैं उसको प्रिमिट करा देते हैं, ठीक है। और मशीनिंग आपको पता ही है, मशीनिंग और हीट ट्रीटमेंट के बारे में तो शायद आपको पता ही होगा कि हमें जो डिजायर्ड प्रॉपर्टीज चाहिए दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है बेटा, ठीक। तो बेटा इसको अब यहीं पे सम अप करते हैं, ठीक, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, और एक बार इसको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे तो आपको पूरी तरीके से बेटा पाउडर मेटलर्जी क्लियर हो जाएगी। अब रही बात इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की, इससे रिलेटेड क्वेश्चन की मैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर मुझे मिलते हैं तो मैं आपको लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू सो मच।